ऐसे लड़के के दरवाजा भी नहीं लग रहा यार, क्यों ऐसे लटकते हो भाई? जिंदगी जब लटकाएगी तो समझ में आएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके वायरल व्यूज। पैडिंग वैडिंग सब लग गया है यहाँ पे, गियर्स वगैरह पहन रहे हैं हम, अर्जुन राजू इंद्रो सब गया, इन्होंने सब पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। अपना क्या है, यहाँ से निकलेंगे फटाफट। आज का टारगेट अराउंड लगभग बिहार क्रॉस करके जाना है, परसों सिलीगुड़ी, उसके बाद घर। तो लगभग घर का एस्टिमेशन 2 तारीख है हमारा, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी खाना वाना खाना बाकी है, ब्रेकफास्ट करना होगा, देख सकते हो लगेज वगैरह कितना सारा है। फिर मिलते हैं आपको मोटर ब्लॉगिंग में। सो गाइस, सब कुछ पैक वैक हो गया, सब निकलने का समय आ गया है। चलो भाई बाय बाय, भाई भाई बाय बाय बोल दिया। और ये हमारा जाम शुरू हो चुका है, ये समय है जाम वाला, तो जाम शुरू होना ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं पे रुक के ज़रूर, क्योंकि कुछ खाया नहीं है अभी आज। बिहार देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं, बिहार के यूपी को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा आज, इतना बड़ा है ये स्टेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ब्रेकफास्ट, वो करना ज़रूरी है। लेकिन अभी बज रहा है अराउंड 12, तो वापस से ब्रंच करने का समय हो चुका है। देखते हैं कहाँ रुकते हैं। ट्रैफिक का समय है, यही तो पूरा पीक ट्रैफिक का समय है। ट्रैफिक से बचते बचाते हुए अब निकल पड़े हैं हम। ये भाई सब तो ये पेट का कमाल है, भूख लगती है तभी इंसान काम करता है, और काम करता है तभी इंसान का नाम होता है। अरे वाह, क्या सुबह सुबह लाइन में, सुबह नहीं दोपहर हो गया, दोपहर को पता नहीं कहाँ से अंदर से गालिब जाग गया मेरे। बस बाकी सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, घर की तरफ बढ़ रहे हैं, बस मम्मी पापा के नाम ले रहो और आगे बढ़ते रहो। अभी हम हैं यूपी के बलरामपुर में, और यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है ना जिसने जिसका स्मेल ना हमें रास्ते से खींच कर लेके आता है। आपको पता है क्या चीज़ है वो, हमारी मजबूरी एक ही है यार, ये हमारी बिरयानी, ये इसने तो खाना भी शुरू कर दिया, कान कान में क्या घुस गया। अर्जुन कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, खाया नहीं, बढ़िया लग रहा पहले। राजू तो बहुत बिजी है आज फोन में, क्या बात है भाई? हाँ भाई भाई, रख दे, बढ़िया बढ़िया। चलो फिर खाते हैं और फिर मिलते हैं बाद में, फिर मोटर ब्लॉगिंग में वापस से। आज पहुँचना है बिहार, घुसना है समझे। मस्त बिरयानी बिरयानी खा के, प्याज व्याज दबा के, चटनी वटनी चाट के हम निकल पड़े हैं वापस से। आज हमारा प्लान जो है ना, वो पटना में एंटर करना ही है जैसे भी हो। पटना यहाँ से अभी लगभग 430 किलोमीटर और है, और अभी टाइम हो रहा है 1:30। हम लोगों ने 70 किलोमीटर्स कवर किया, यानी पटना ओरिजिनली हमारे यहाँ से 500 किलोमीटर था। बस अभी खाना वाना खा लिया, ये सुबह का खाना दोपहर का खाना मिक्स होके एक साथ ब्रंच खा लिया, अभी अब चलेंगे। फिर रास्ता ऐसे सही होने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रास्ता वैसे यहाँ का बढ़िया ही है। अभी सीधा रास्ता दिखा रहा है मैप में, चलते रहते कब तक कवर कर पाते हैं उसको। आप देख सकते हो यहाँ पे लटकने के जो तो कंडीशन है ना, वो तो सीमा पार कर चुका है। ऐसे लटके के दरवाज़ा भी नहीं लग रहा यार, क्यों ऐसे लटकते हो भाई? ज़िंदगी जब लटकाएगी तो समझ में आएगा। कश्मीर में एक ऐसा हादसा हुआ था कि हम जा रहे थे रास्ते से ना, तो बस रास्तों के साइड में दो बुज़ुर्ग लोग थे, वो लोग अपने हाथों में पाकिस्तान का झंडा लेकर लहरा रहे थे। यार हमें बहुत अजीब लगा यार, हम तो निकले हैं वहाँ से फटाफट, और वैसे भी उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, फटाफट वहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए। देखे काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं, इंडिया में रहना है तो भाई इंडिया का झंडा लहराओ ना, फिर पाकिस्तान के क्यों लहराते हो? सो गाइस, मिठाई खाने रुके थे ना, यहाँ पे स्टिंग मिला ना कुछ मिला, पता नहीं कहाँ पे हम रुक गए यार। छोटा माजा मिला, वो भी ठंडा नहीं था। मैं अर्जुन को एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, भाई ये दाढ़ी सही लग रहा है ब्रो, मर रहे लोग इस पर, तो दाढ़ी क्या बना रहे हो? अरे भाई मत बोलो, सब लोग गाली दे रहे हैं, जल्दी घर पहुँच के। पहले तो दाढ़ी काट बोले। मैं आपको दिखाता हूँ इधर हमारे पंटर लोग क्या कर रहे हैं। ये अभी भी बिजी है, देखो अपने फोन में ये बिजी है, किसके साथ बिजी है? और इसी चलते में राजू तो चुपचाप अपना फोन छुपा लिया। हाँ इंद्रो कहाँ बिजी है भाई? वो तो आज तेरा खुलासा होगा, बोल कहाँ बिजी रहता है। आसाम का न्यूज़ ऐसा भी देख रहा है, सॉरी सुबह से। हाँ ये सुबह से आज ये बहुत खुश है, क्या हुआ बोल दो?
वो तो राजू दा को पता होगा। अच्छा, और इधर में राजू दा मोबाइल कहाँ है? नहीं है तो कहाँ गया? रख के आ गया भूल गया। राजू दा के जस्ट पीछे में मुझे तो दिख रहा है कोई हेयर कट कर रहा था मेरे को, सही वाला खतरनाक वाला हेयर कट कर रहा था। उस होटल में खाकर हमारा मन तो भरा नहीं था, ठंडा अभी बाकी था। तो इंद्रो ने हमें यहाँ पे रुकाया, आप देख सकते हो जगह, ये जगह देखो, ये जगह देख रहे हो ऊपर का डेकोरेशन देख रहे हो, उधर देखो इधर से ये डेकोरेशन चलते के उधर तक एकदम उधर तक बहुत बड़ा बारिश का बूंदा गिरता है इधर, बहुत बड़ा होटल है। यहाँ पे हम लोग क्या पियेंगे इंद्रो, यहाँ पे क्या पियेंगे? लस्सी पियेंगे बस, सिर्फ यहाँ पे लस्सी पीना निकल जाना यार। क्या बोले, यहाँ पे बारिश हो रही है, छाता लगा के रखा है, समझ रहे हो? तो गाइस देख सकते हो यहाँ की लस्सी यार, क्या मस्त ग्लास ग्लास में दिया है। इंद्रो बता यार, इंद्रो इंद्रो कैसा है बता? बढ़िया है, जोर से बोलेगा बढ़िया है। बढ़िया है ओ। राजू तो दिखाई नहीं दे रहा है अंदर हमें। राजू दा बोल, जोर से बोल, क्या हुआ? आउट ऑफ 10 9.9995 देगा बोलो। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ, बहुत अच्छा हुआ। बाय बाय गाइस, मैंने जो आपको होटल दिखाया उसका काउंटर आप देखोगे, मैं वो काउंटर दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है वो, ये ट्रक है, टाटा का ट्रक है इधर काउंटर में, एकदम इनोवेटिव, एकदम हाईवे के सामने बनाया ना इसलिए ऐसा बनाया, देख रहे हो आप उधर देखो, आप दरवाज़ा लगाया हुआ है, खिड़की विड़की लगाया हुआ है, पूरा मतलब ट्रक का कंसेप्ट लिया उन्होंने। क्या क्या देखा नहीं इस राइड में, सब कुछ देख लिया। सो गाइस मस्त लस्सी 2 ग्लास पी लिए फूल, एकदम मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी रहा यार लस्सी, वो पी के मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, तो वो पी के निकल चुके हैं अभी, चले जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे आज। तो अभी सीधा रास्ता जो है गोरखपुर की ओर जा रहा है, गोरखपुर हम एग्जैक्टली टच तो नहीं करेंगे, बट गोरखपुर के साइड से बस्ती होते हुए हम निकल जाएंगे। बस्ती का नाम लेते याद आता है भैया और भाभी का, तो भैया और भाभी अगर आप देख रहे हो तो नमस्ते, इस बार आप लोगों को बोल नहीं पाए क्योंकि बहुत जल्दी में हम फटाफट निकलेंगे, कहाँ रुकना है क्या करना है कुछ ठीक ठाक नहीं है इस बार, तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है, निकल रहे घर की ओर, जल्दी से पहुँचना है और 2 दिन में घर पहुँच जाएंगे। और आप देख सकते हो आए का लाइटिंग कितना सही लग रहा है, मैंने हेलमेट का ग्लास लगा लिया क्योंकि इतने कीड़े उड़ रहे हैं ना हेलमेट के ग्लास में ना, उनका सबका एक्सीडेंट हो रहा है, ठप 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 करके लग रहा है उनका, आवाज़ मज़ा आ रहा है सुन के, आँखों में मेरे 2 दिन घुस गया था यार, एकदम दर्द होने लगा मेरे को, इसलिए मैंने हेलमेट का शीशा बंद कर दिया। अब एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हेलमेट का शीशा अगर आप बंद कर देते हो तो ये तो भाई 1 वे है सही है, जब 2 वे होता है ना उधर सब गाड़ियाँ आती तो रिफ्लेक्शन पड़ता है, और जब उन्होंने अपर मार के रखा होगा तो और बुरा रिफ्लेक्शन पड़ता है आँखों पर, तो दिखता नहीं आपको कुछ, इसलिए हम लोग का हेलमेट खोलना पड़ता है रात को, भले ही जितनी धूल हो कुछ भी हो, बट क्योंकि ये 1 वे है इसलिए हम लोग बंद कर रख सकते हैं क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। बाकी सब बढ़िया है, लस्सी अभी भी पेट में घूमे जा रहा है एकदम टेस्ट मज़ेदार। अब रात का कहाँ पर खाना है, क्या स्टे करना है, उसका वो सब तो प्रोग्राम आप देख ही लोगे धीरे धीरे, बने रहो हमारे साथ। बाकी यार आप सभी का प्यार बहुत मिस कर रहा हूँ, और प्यार दो यार, और प्यार दो, जल्दी से दूसरा राइड वाइड भी प्लान करना है ना, अगर प्यार देते रहोगे तभी प्लान होगा ना, मैं वरना प्लान कैसे होगा सर। शाम के बज रहे हैं अभी 8 और हम यूपी बॉर्डर से जस्ट क्रॉस करेंगे, अब धीरे धीरे बिहार बॉर्डर में एंटर करेंगे। आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है मुजफ्फरपुर, यहाँ से लगभग और 140 किलोमीटर दूर है, सो टारगेट ये है कि 10:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है, बस वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर टेंशन नहीं, एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगा मेरा और फिर बस, और क्या है। रास्ता आज का इतना मज़ेदार रास्ता यूपी में ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, यूपी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मैन, यूपी मतलब एक बाइकर्स लोगों के लिए ना बहुत ही हैप्पी प्लेस है, ऐसा रास्ता हमको कंटिन्यूसली मिले जा रहा है, अभी लास्ट 200-300 किलोमीटर से हमको यही रास्ता दिख रहा है, और यह हाईवे मतलब यहाँ पर चकाचक हाईवे बना हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। और लखनऊ साइड तो हम गए नहीं आज, वरना आपको आप तो हम जो जब राइड जा रहे थे तब हम लखनऊ में तो गए थे, एंटर किए थे, आपने देखा ही होगा कितना डेवलप्ड है यार लखनऊ, वहाँ के रास्ते और भयंकर मस्त रास्ते वहाँ के, तो इस बार सोचा नहीं हाईवे से काम करते हैं सब, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ।
साइड में देख सकते हो कितना ट्रकों का जाम लगा हुआ है। यहाँ पे कोई चेक पोस्ट है उसके वजह से, बाकी हमारा और क्या ही चेक होगा, हम तो है ही फकीर आदमी है, हमारा कोई चेक वेक का सीन नहीं है। हाँ जी सर बोलिए, कुछ बोलेगा? तो आपने देखा जैसा मैंने कहा, हमारा क्या ही चेक होगा, हम तो फकीर आदमी है। तो राइडर्स लोग हमेशा छोड़ दिया जाता है, कुछ बोलते नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। देखा हमें, हमारा बैग को टचर समझ के आ रहे, ये तो राइडर लोग है भाई, इनको क्या ही रोके। चलो 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 चलो, बस ऐसे करके स्लाइड चेक पोस्ट। आप देख रहे हो ना, ये बिहार का एंट्री जो हो रहा है ना, हर चीज़ वहाँ पे गाड़ी वाड़ी ट्रक वगैरह हर चीज़ चेक किया जा रहा है। तो ये बिहार का एंट्री था, तो हमें हमारा यूनिफॉर्म देख के समझ जाते हैं, अरे भाई इनको तो जाने दो, तो हम निकल पड़ते फिर। बस मंजिल करीब आते हुए, और हम मंजिल के करीब जाते हुए झटका लगते हुए, अरे भाई साहब कहाँ से रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन से घुसा देते हो यार, अरे 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 अरे, हमारे आगे वाला तो और भी प्रो राइडर है, अरे 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 बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे अरे ये तो डिस्को डांसर है यार। वही हम और इधर वही बोल रहे यार, ये तो डिस्को डांसर निकला, भयंकर एकदम। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने लद्दाख में पेट्रोल भराया था 112, भाई बिहार एंटर करते करते वो पेट्रोल का दाम हो चुका है 114 रुपये, लगभग 115 रुपये। यार ये क्या हो रहा है, हम राइडिंग वाइडिंग बंद करना पड़ेगा लग रहा है, ऐसा होगा तो भाई साहब दिमाग, मेरे को दूर से लगा वो क्या ही है, देखते तो 114 रुपये है, ये तो लद्दाख से भी महंगा हो गया यार। अर्जुन लद्दाख से भी महंगा हो गया ये तो भाई, ऐसे होगा तो राम प्यारी आपको घर में रखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मेरे आगे एक ट्रक है, वो कैसा टेढ़ा हो चुका है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, आपको दिख रहा होगा शायद, उसके कोई उसके सामने नहीं जा रहा, आप देख रहे हो, उसको अभी दिखाते हैं, वो देखो सामने जो ट्रक है ना वो पूरा टेढ़ा हो चुका है, वो कब किधर कहाँ गिर जाए ना कोई भरोसा नहीं है, कोई जान नहीं रहा उसके सामने। बोला जा साइड अपरा, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। ये ट्रक का बात करो मैं, ऐसा टेढ़ा ट्रक कहाँ देखा यार, पूरा गाना सुन रहा है वो ड्राइवर अंदर चिल्ला के, राजा ने बोला कि पीछे का माल टेढ़ा हो चुका है ठीक कर, वो गाना सुन रहा है, वो जब गिरेगा तब उसको पता चलेगा। अभी और मुजफ्फरपुर यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर से हम लोगों ने बिहार बॉर्डर में एंटर कर चुका है कब का। अभी हम लोग को अपना मंजिल में पहुंचना था मुजफ्फरपुर, जो अभी यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तो भूख तो लग गया था, रात के 10 बज रहे राइट, तो हम लोग रुके यहाँ पे एक ऐसे ढाबे में, आप देख सकते हो यहाँ पे
मस्त सा ढाबा है, लेकिन यहाँ इसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका बेस्ट चीज़, ये है चार पाई। यहाँ पे मस्त, आप लेट जाओगे ना इधर, अगर आप लेट जाओगे तो आपके जो बॉडी का जो पेन वगैरह है ना सारा निकल जाता है इधर, तो ये चार पाई का मज़ा यही है। तो यहाँ पे करते हैं, और हम लोग को पूरा राइड में ना 25 दिनों के 26 दिनों के राइड में हमके आज मिला है मछली, तो आज मछली और रोटी खाना है, और यहाँ पे थोड़ा लेटना है फिर निकलना है थोड़ी देर बाद। ढाबे में मस्त मछली रोटी, मछली में एक्चुअली क्या था नमक ज़्यादा हो गया था, तो फिर से उसका ग्रेवी बनाया गया, तो हम लोगों ने सोचा यार चिकन ही खा लेते, तो फिर चिकन भी ले लिया, मछली रोटी चिकन दबा के खा के मस्त थोड़ा रेस्ट करके निकल गए हैं अभी मुजफ्फरपुर के लिए, जो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं 45 मिनट्स ही लगेगा यार, उससे भी कम 30 मिनट्स में पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक है जी, मिलते हैं अब आपको सीधे रूम में।